हेलो गाइस। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल कुछ इस तरह के थंबनेल वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ इसी तरह का थंबनेल यहाँ पे बनाना बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपने फ़ोन को यहाँ पे रोटेट कर लेना है, तो कुछ इस तरह से आपका जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट ही आपको ये जो टैक्स है आपको यहाँ पे इसको डिलीट करना है। तो आपको नीचे यहाँ ई वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे ही फोर्थ नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इमेज साइज वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक इमेज को यहाँ पे ऐड करना है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर उसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और फॉन्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। यहाँ से मैं उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे नीचे ही थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको मिलता है इंपोर्ट वाला ऑप्शन। तो सिंपल से इस पर क्लिक कर लेना है और उस इमेज को यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो ये वाला इमेज है, इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है और इसके साइज को यहाँ पे रिलेटिव साइज में जाकर आपको 100% यहाँ पे कर देना है और राइट वाले ऑप्शन में जाकर आपको इसको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है और इसको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे लॉक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक शेप को यहाँ पे लेना है, इसको सेट करना है और राइट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ये इरेजर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपल सा आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से आपको साइड में ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से आपको डिज़ाइन यहाँ पे बनाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेना है और करने के बाद आपको इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से साइड में से इस तरह से आपको ये पूरा यहाँ पे कट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ जो डिज़ाइन है यहाँ पे ये बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको शैडो वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है और उसको अनेबल कर देना है और जो ब्लर रेडियस है आपको यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे फुल यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको जो प्लस वाले ऑप्शन में जाना है और जो इसकी ओपेसिटी है कलर की ये नीचे वाली आपको इस तरह से आपको इसको डाउन करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। कुछ इस तरह से आपका जो इमेज है यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा। फिर आपको यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको जो है इस तरह से यहाँ पे लॉक कर देना है। आपका यहाँ पर ये वाला यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास एक इमेज है यहाँ पर मैं उसका यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और प्लस वाले ऑप्शन में जाकर गैलरी वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर उसी इमेज को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला इमेज है जिसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला इमेज यहाँ पे ले लिया है, उसके साइज़ को इस तरह से मैं यहाँ पे एडजस्ट यहाँ पे कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फिर मैं इरेजर वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाता हूँ और इसको इसी तरह से मैं इस वाले ऑप्शन में जाकर इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है इसको फिर से मैं इस तरह से यहाँ पे कर देता हूँ और राइट वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे ये जो डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर जो है मैं यहाँ पे शैडो में इसको अनेबल शैडो यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पर इसको फुल यहाँ पे कर देता हूँ। उसके जो थोड़ा सा यहाँ पे जो ब्लर रेडियस है यहाँ पर इसको मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको राइट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमें एक YouTube का यहाँ पे लोगो को ऐड करना है, तो सिंपल सा यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ और इसका लिंक भी आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपल से जाकर उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ये यूट्यूब वाला लोगो है, इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। फिर राइट वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एक यहाँ पे इरेजर कलर, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पे अनेबल कर देना है। और जो आपका टॉलरेंस है आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे बढ़ाना है और राइट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ऊपर आना है और यहाँ पर ये कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर आपको अनेबल करना है और यहाँ से आपको व्हाइट कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे व्हाइट कलर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और राइट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है और शैडो वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और उसको यहाँ पे अनेबल कर देना है। और जो इसका जो यहाँ पे जो रेडियस है आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कम करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। और जो ब्लर रेडियस है आपको इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है, तो यहाँ पे आपको 5 कर देना है। और जो आपका ऑफसेट वाई है आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे 3 यहाँ पे कर देना है, यानी +3 यहाँ पे आपको कर देना है। और राइट वाले ऑप्शन में जाना है, उसके साइज को आपको इस तरह से आपको यहाँ पे सेट करना है और यहाँ पर आपको इसको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे इसको सेट कर देना है।
देना है। उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद आपको इसको जो यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन में जाकर आपको इसको यहाँ पे लॉक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शेप को यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पे शेप को यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पर आपको कलर वाले ऑप्शन में जाना है और उसके कलर को यहाँ पर आपको उसको इस तरह से हमें कर लेना है। तो यहाँ पर ये वाला कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस तरह से आपको यहाँ पे कर देना है और राइट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है और इसमें भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे शैडो इस तरह से आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पर ये वाला ही शैडो यहाँ पे मैं देता हूँ इस तरह से और यहाँ पे जो ऑफसेट वाई को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और जो ब्लर रेडियस है उसको भी यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और राइट वाले ऑप्शन में जाकर इसको भी यहाँ पे मैं इस तरह से लॉक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में मैं नीचे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और प्लस वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में जाकर अपने टेक्स्ट को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लिया, डन वाले ऑप्शन में क्लिक कर ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट के जो फॉन्ट है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और फॉन्ट का लिंक भी आपको उसी फाइल में मिल जाएगा, तो आपको जाकर उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे पॉपिंस बोल्ड है ये फॉन्ट, तो यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके साइज इस तरह से मैं इंक्रीज करता हूँ और यहाँ पर इसके कलर को यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो कलर वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से मैं इसके कलर को यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्ट्रोक वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे स्ट्रोक आपको अनेबल करना है और स्ट्रोक का कलर आपको यहाँ पे वाइट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जो यहाँ पे स्ट्रोक को यहाँ पे इस तरह से आपको रहने देना और राइट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और शैडो वाले ऑप्शन में आपको अनेबल करना है शैडो को और ब्लड रेडियस को आपको यहाँ पे 5 यहाँ पे कर देना है और जो ओपेसिटी है इसको भी आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे 15 यहाँ पे कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है इसके ऑफसेट जो ऑफसेट वाई है आपको इसको जो है आपको यहाँ पे 2 यहाँ पे या यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे कर देना है और उसके साइज को आपको एडजस्ट यहाँ पे करना है और यहाँ पे इस तरह से आपको इसको यहाँ पे रख देना है। तो इसके साइज को थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको इतना यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक और इमेज को यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, फोम गैलरी वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से एक और इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाला यहाँ पे शॉर्ट वाला जो आइकन है इसको मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसके साइज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसके साइज को इतना मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसको यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको जो यहाँ पे लॉक कर देना है, तो यहाँ पर ये लॉक हो गया है। अब जो हमारा ये वाला टैक्स था इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अपने जो अगला टैक्स है उसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने टैक्स को यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे मैं डन वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और ओके वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, आपको इसको क्लिक कर यहाँ आपको इसको जो है डिसेबल यहाँ पे कर देना है और राइट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल करना है और कलर वाले ऑप्शन में जाकर आपको इसके व्हाइट कलर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और राइट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसके साइज को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे छोटा इस तरह से यहाँ पे करना है और इसको जो है इस तरह से आपको यहाँ पे इसको इस तरह से आपको यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको फिर से आपको इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जो है इस वाले टैक्स को यहाँ पे जो है आपको लॉक करना है। तो यहाँ पर मैं इसके साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो है इस वाले को यहाँ पे लॉक कर देना है और इसी टैक्स की जगह आपको अपने दूसरे टैक्स को यहाँ पे लिख लेना है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं अपने दूसरे टैक्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपने दूसरे टैक्स को यहाँ पे लिख लिया है, मैं डन वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये जो टीटी वाला ऑप्शन है मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे जो इस टैक्स के जो सारे कैरेक्टर है यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे हो जाएंगे और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और इसके साइज को यहाँ पे मैं इंक्रीज करता हूँ और इसके कलर को यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो कलर वाले ऑप्शन में जाना है और प्लस वाले ऑप्शन में जाकर इसके कलर को यहाँ पे मैं येलो यहाँ पे कर देता हूँ और ओके वाले ऑप्शन में क्लिक कर राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ और इसके साइज को इस तरह से मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर वाले जो टैक्स है आपको इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे फिर से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर ये जो टैक्स है यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना दूसरे टैक्स को यहाँ पे जो आपको लिख लेना है, यहाँ पर मैंने अपने दूसरे टैक्स को यहाँ पे लिख लिया और डन वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और उसको इस तरह से मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो आपको भी इसी तरह से आपको यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ पे जो है आपको कलर वाले ऑप्शन में आना है और जो इसमें मैंने जो एक इंग्लिश का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया उसके कलर को भी यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ और राइट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है और लेयर वाले ऑप्शन में जाना है और आपको इन दोनों को इस तरह से आपको यहाँ पे लॉक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये प्लस वाला ऑप्शन है, ये जूम वाला ऑप्शन है, आपको सिंपल से आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और इस तरह से आपको यहाँ पे जूम कर लेना है और यहाँ से आपको इस तरह से आपको जिसको जूम आउट करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे इसको लॉक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ही आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और शेप वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे आना है और इसके साइज को इस तरह से आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको इस तरह से आपको इसमें लाइन में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको जो है
यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना, और इसके जो कलर है इसको भी आपको यहाँ पे येलो यहाँ पे कर देना है, और राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर आपको इसको जो यहाँ पे जूम आउट यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको इसको भी यहाँ पे लॉक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका थंबनेल है वो यहाँ पर बनकर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आपको इसको सेव करना है, तो आपको इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एज इमेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, और कस्टम की जगह आपको यहाँ पे अल्ट्रा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपका थंबनेल है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़।